सिंगरौली में मुख्यमंत्री चरण पादुका का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा व बरगवा वन परिक्षेत्र अधिकारी रवि शेखर सिंह ने हितग्राहियों को जूते, साड़ी व पानी की बोतल और एक छाता वितरित किया। तेंदुपत्ता का व्यापार करने के लिए ग्रामीण नागरिक घने जंगलों से बिना जूते चप्पलों के चले जाते हैं, जिस वजह से उनके पैरों पर कांटे चुभ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काम करने में परेशानी आती है। इसी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में विधायक सुभाष रामचरित वर्मा और वन परिक्षेत्र अधिकारी रवि शेखर सिंह ने अपने हाथों से सभी हितग्राहियों को चरण पादुका पहनाई और उन्हें 1 लीटर पानी की बोतल वितरित की। साथ ही उन्होंने महिलाओं को साड़ी भी वितरित की। इस दौरान सुभाष रामचरित वर्मा ने कहा कि आप सभी लोग जंगलों में तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं, जिन हालातों में आप तेंदुपत्ता तोड़ते हैं वो काफी कष्टनीय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी पीड़ा को समझते हैं, इसलिए उन्होंने ये योजना आपके लिए बनाई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।